वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी लोग यार मेरे से पूछते हैं कि फेस रिवील कब करने वाले हो, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इंडिया कोरिया का जो हमारे को फर्स्ट डे देखने को मिलेगा उस पर आप लोगों को एक व्लॉग देखने को मिल जाएगा जहां पे आप लोगों को फेस रिवील देखने को मिलेगा। एंड आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं यानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है ऑस्टिन को लेकर, तो जो उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर उन्होंने एक स्कैम के बारे में बात करी, जहाँ उन्होंने लिखा था माई टीम एंड आई अनफॉर्चुनेटली फॉलन विक्टिम टू अ स्कैम फेडरेटेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव फेल्ड टू फुलफिल देयर कमिटमेंट रिगार्डिंग द रिमेनिंग पेमेंट। We want to assure you that we will soon provide the conclusive evidence to substantiate our claim। जहाँ पे उन्होंने यही बताया था कि उनकी जो पेमेंट है वो नहीं मिल पा रही है एंड इसके जो प्रूफ्स हैं वो कुछ टाइम पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है थक भाई को लेके, तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने लिखा था सबका बदला लेगा एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने किससे रिलेटेड लगाया वो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गैस बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो मेज़ी है उनसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो भी BGIS के फाइनलिस्ट थे उनको BMPS के अंदर या फिर अदर ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर इन्वाइट डायरेक्ट मिलने वाला है, तो इसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। मेज़ी भाई क्या BGIS फाइनलिस्ट को टीम को नेक्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट में डायरेक्ट सेमीफाइनल में इनवाइट मिलेगा क्या? सेमीफाइनल्स में किसी को कोई इनवाइट नहीं मिलने वाला, जिनको भी मिलेगा सबको क्वार्टर फाइनल्स में ही इनवाइट मिलने वाला है। ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है कि जब भी ओवर टूर्नामेंट्स होते हैं ऑफिशियल के, तो वहां पे जो मैक्सिमम इनवाइट जा सकता है वो है क्वालिफाइंग राउंड तक यानी कि क्वार्टर फाइनल्स तक। उसके देखने को मिली तो जो आईफ्ल के उन्होंने बात करी इनसेन स्पोर्ट्स के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि मे बी उनका जो लाइनअप है वो हमारे को इनसेन से खेलता हुआ ना दिखाई दे या फिर हमारे को कुछ चेंजेस देखने को मिले या फिर डिसबैंड देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने इस पर एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो। बराबर इनसेन स्पोर्ट्स, इनसेन स्पोर्ट्स का मुझे लग रहा है कि खबर कुछ ऐसा है कि उनका यू नो आगे कंटिन्यू होने का वो लोग देख रहे हैं कि कितना है। तो अभी तक मैंने पूछा नहीं, मे बी आई विल मेक अ कॉल एंड आस्क देम कि क्या है तुम्हारा कुछ सीन है क्या, दिख नहीं रहा वैसे यू नो ज़्यादातर फॉर्म मतलब या मतलब उनका नाम दिख नहीं रहा अभी। इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है कि हमारे को जो बिग ब्रदर का लाइनअप है उसको किसी ने पोच किया था, ऐसी अपडेट एक देखने को मिली थी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी लोग यार ये चीज़ बोल रहे थे कि वो आईफ्लिक ने करा होगा, तो आईफ्लिक जो है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई BBBB का, मेरा टीम तो नहीं है ठीक है, कोई BB का कोई बंदे को हम लोग ने जाके कोई कुछ किया नहीं है। सो या हम लोग का नाम मत डालना किधर भी, सो दैट इज़ माई टर्म्स। अगर हम लोग में से कोई जाएगा तो ऑफिशियली जाने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा, कोई और जाके बात भी किया तो भी पता नहीं है, बट मोस्टली नहीं किया होगा, नो वन हैज दैट गट्स। सो या TWM यार काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ग्लोबल स्पोर्ट्स का क्या लाइनअप रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स दे देता हूं। तो हमारे को जो ग्लोबल स्पोर्ट्स का लाइनअप है उसके अंदर मवी, निंजा बॉय, स्लग एंड बीस जो है वो अभी के लिए देखने को मिलने वाले हैं एंड देखते हैं हमारे को इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं नहीं। एंड आप लोगों को भी पता ही है जो बीस्ट है उन्होंने अभी 8-bit को लीव किया है एंड इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आई है, बट मैंने आप लोगों को कुछ लीक्स दी थी एंड वो हमारे को ग्लोबल स्पोर्ट्स के साथ खेलते हुए दिख सकते हैं एंड देखते हैं हमारे को इस पर अनाउंसमेंट देखने को कब मिलने वाली है। एंड इसके बाद काफी लोग जो आईफ्लिक है उनसे पूछ रहे थे कि जो स्नैक्स हैं वो HH में कंफर्म है एंड वो आगे भी रहने वाले हैं नहीं, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। HH स्नैक्स फाइनल्स देख लो यार, वो चीज आपको देखने मिलेंगे, आई थिंक ये चीज स्नैक्स से भी आपको समझने मिलेंगे। स्नैक्स की टर्म्स में मैं आपको फाइनल अभी कुछ बता नहीं सकता, बट यस आई फील नवंबर तक मैं बता दूंगा, 10 days और दे दो। देखो जरूरी बात यह है कि everyone is comfortable or not and everyone is able to give the time inside the game or not. बहुत थोड़ा बहुत ईज दे दिए थे बिकॉज मैं खुद एक प्लेयर रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि क्या बोलता है आई हैव बीन दिस ई स्पोर्ट्स प्लेयर, तो मैं समझता हूँ कितना प्रेशर और ये सब मिलता है तुम्हें। यस बट एट द सेम टाइम आई फील कि कुछ ज़्यादा ही शायद से प्रेशर जो है थोड़ा सा और प्रेशर डालनी चाहिए थी और थोड़ा और गांड मारनी चाहिए थी लोगों की कुछ कुछ, तो वो चीज़ अभी चालू कर देंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे थोड़ा और सस्टेन करके यू नो छोटा मोटा चेंजेस डाल के विल सी अबाउट ब्रिंगिंग दिस होल थिंग बैक। एंड इसके बाद जो मॉडल है उन्होंने बात करी थी ड्रंक स्ट्रीम के बारे में एंड यार इसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे दिया था, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो, इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। भी चैट में ही आ जाते मंडरा रहे हैं लोग, कफ सिरप है ये सब। अच्छा अच्छा ये देखो कफ सिरप भेजा है मुझे नमन चंद्र ने। इससे कफ बनेगा, इससे बनेगा कफ। पीले पीले जिस दिन हम कॉन्करर पहुंच जाएगा ना रैंक, चल हम टॉप 10 पहुंचेगा उस दिन हम ड्रंक स्ट्रीम करेगा व्हाट्सएप मामा। आप तो ऑब्वियसली नहीं, मैं कर लूंगा।
गलत तो हम फिर भी नहीं बोलेगा बहुत गलत बोल गलत तो हम कभी नहीं बोलेगा इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है हमारे को इरेंगल में भी यार हील बैटल्स देखने को मिल रहे हैं। इस चीज से हमारे को मेजियन कम्युनिटी के कुछ लोग जो हैं वो खुश देखने को नहीं मिले, तो उन्हें इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। Who new है not revealed. Okay, सिर्फ एक घंटे लेट। Yes. लॉन्डो जरा हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। 500 लोग देख रहे हो यार, 500 लाइक्स तो हो जाने चाहिए। तो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो है कि इरेंगल में हील बैटल, ठीक है। पहले भी एक समय आया था जब लोग इरेंगल में हील बैटल करने के लिए शुरू से ही शुरू हो जाते थे। मुझे याद है शायद वो लाइफ क्राफ्ट की टीम थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। सबसे पहले वो लोग पूरा जितना भी हो सकता था हीलिंग्स वगैरह वो इकट्ठा करते थे, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे जो रूम्स बनते थे शायद उसमें जो हीलिंग्स थी वो 2x पे थी या जो भी था, वो मुझे नहीं पता कि जो रूम सेटिंग्स करते हैं उसमें हीलिंग्स भी क्या 2x पे कर दी जाती है। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि इरेंगल में बहुत ज़्यादा हील बैटल होता था। और एक बार फिर से शुरू से ही उतरते ही ऑडबॉट्स के कुछ खिलाड़ी थे शायद जो शुरू से ही उतरते ही हीलिंग्स के लिए भग जाते और उसके बाद वो हील बैटल कर रहे होते, और उनको देखते देखते बाकी के जो और दो तीन प्लेयर्स थे, दो तीन और टीम थी, उन्होंने भी हील बैटल करना चालू कर दिया। तो अब भाई इरेंगल में हील बैटल हो रहा है ये देख के थोड़ा बुरा सा लगता है कि पहले कैसी चीज़ें थी, अभी कैसी चीज़ें आ चुकी हैं। टीम तमिलास के प्लेयर्स हैं, ऑटोबॉट्स के हैं, और दो तीन और भी टीम्स हैं जिनका हील बैटल एक वो होता है कि हाँ करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे क्वालिफाइंग राउंड से। तो ये चीज़ समझ में आता है कि हाँ हील बैटल करके एटलीस्ट अगर 8 से 10 पॉइंट्स आप निकाल के जाते हो तो आपके लिए ठीक है। क्या हाल भाई, वैसे रोड मैप का क्या सीन है आयुष भाई? वो राज रह गया। बट खैर ये कुछ गलत नहीं है हील बैटल करना इरेंगल में, क्योंकि अभी क्वालिफाइंग राउंड्स हैं और क्वालिफाइंग राउंड्स में अगर पर मैच भी आप 10-10 पॉइंट्स निकालते हो और आपको 20 मैचेस खेलने हैं और मुझे लगता है कि पर डे दो कितने मैक्स टू मैक्स कितने इरेंगल खेलने को मिलेंगे, क्योंकि इरेंगल एंड मिरामार दो हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो मैं अगर मान के भी चलूँ इरेंगल को 20 में से कितना 8-6 समथिंग करके इरेंगल के मैचेस होंगे, कैलकुलेशन थोड़ी रफ है मतलब ऐसा प्रिसाइज नहीं है, तो भी तुम सोचो कि इरेंगल में अगर हील बैटल करते हैं तो 6 मैचों में वो 60 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं, एक आध बार गलत हो गया तो 50 तो निकाल ही सकते हैं। और जो अभी के लिए कट ऑफ लोग कह रहे हैं जो देखा जा रहा है वो मेरे हिसाब से 110 120 मैक्स टू मैक्स इतना जा सकता है। तो अगर आप इरेंगल में ही 50-60 पॉइंट ऐसे केवल हील बैटल से ही निकाल लेते हो तो गलत नहीं है, बट दिक्कत इस बात की आएगी जब आप फाइनल्स में पहुंचोगे तो वहां पे जो आपकी आदत है वो हील बैटल वाली है, जब आपके साथ 4v4 की फाइट होगी तो वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी। जैसे MICI की स्क्वाड एक जीता जागता एग्जांपल है कि उन्होंने जितने भी राउंड्स खेले वहां पे उन्होंने हील बैटल ज्यादा प्रायोरिटाइज करा, फाइनल्स में भी वापस से हील बैटल पे वो ज्यादा गए और ज्यादा फाइट वो नहीं जीत पाए। हालांकि मुदित कुणाल सबने अच्छी कोशिश की, बट स्टिल वो एक अंदर रहता है ना कि यार हील बैटल बढ़िया है, अच्छा आ गया, आगे आ गए, चले गए, ऐसा वाला। बट ठीक है, जैसी जिसकी मर्जी, जैसा जिसका टीम, जैसे जिसकी मर्जी। बट थोड़ा सा अब इरेंगल में उतना मजा रहा। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।